हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ छोटी सी वीडियो शेयर कर रही हूँ हमारी बड़ी की, जो कि है शिजू ब्रीड, और ये खाना कैसे खाता है और खाने से पहले इसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, खाने के बाद ये कैसा होता है और खाने में क्या खाता है, यही इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप शिजू ब्रीड के बारे में या शिजू पपी के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आप देख सकते हैं अब डिनर टाइम हो चुका है, तो इसका डिनर हम ऑलमोस्ट तैयार कर देते हैं 7:30 या फिर 7:35-7:40 तक हम इसको दे देते हैं। इससे ज़्यादा डिले हम नहीं करते हैं बिकॉज़ क्योंकि ये 8:30 तक सो भी जाता है, तो इनको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं ये सारा मतलब मांगता है भूख के अगर 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए। और मेरे साथ किचन में जाके रेगुलर रूटीन है, ये ऐसे ही अपना डिनर तैयार करवाता है। उसके बाद इसको डिनर में मैं देती हूँ रात को एक टाइम रोटी। सारे दिन में हम इसको रोटी फुलका नहीं देते हैं, सिर्फ एक टाइम रोटी देते हैं और इसको अच्छे से चूर कर देते हैं। ये नहीं कि बड़ी बड़ी छोड़ दी, अच्छे से चूरी जैसे होती है, छोटी छोटी बाइट्स होती हैं वैसे देते हैं। और जब तक मैं रोटी इसकी बनाऊँगी तब तक ये मेरे साथ ऐसे ही चिपका रहेगा कि मेरे को अभी दे दो, बस भूख लगी है दे दो। और इसका फेवरेट डिश है चिकन, जो कि हम चिकन को रेडी करते हैं, चिकन और थोड़ा सा दलिया चावल और सोयाबीन की वड़ी डाल के इसको बॉईल कर देते हैं। तो इसका 2-3 दिन का मैक्सिमम हो जाता है। इसको फीड में भी डाल देते हैं, उसका सूप होता है जो, इसको फुलका में वो हम देते हैं थोड़ा सा मिला के। अगर आप वो रेसिपी भी देखना चाहते हैं तो वो आप मेरे साथ कमेंट में बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और आप देख सकते हैं ये मेरे को बोल रहा है कि अभी बस मेरे को दे दो, बट मैं पूरी तसल्ली से इसका खाना ठंडा करके इसमें इसकी जो सब्जी है मैंने तैयार की है वो डालकर एंड देन मैं इसको इसका फूड दूंगी। मैं इसकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, जितना बात करना है कर ले, जो करना है कर ले, गर्म फीड तो हमने इसको देना नहीं है। तो हम इसको अच्छे से रिलैक्स करा के धीरे धीरे इसको देंगे ताकि ये थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाए। तो आप देख सकते हैं अब इसमें मैंने वही जो आपको मिक्सचर बताया है वो डाल दिया है। सिर्फ इतना ही डालना है ताकि इसमें स्मेल अब्जॉर्ब हो जाए। इसको अच्छे से मसल के और ठंडा करके, मेक श्योर आप इसको ठंडा कर लीजिए, गर्म इसको नहीं दीजिए। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करके, तो मैं इसका बाउल पहले ही रेडी कर देती हूँ ताकि उसमें सीधा डाल सकूँ। तो आप देख सकते हैं एक बाउल में खाने के साथ ज़रूर से पानी रखिए, आप ज़रूर देख लीजिए पानी साथ में ही हो। तो आप देख सकते हैं मेरे शिजू का ये फेवरेट फूड है। इसको आप अगर रेसिपी देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।